गर्मियों में समर ड्रिंक सेहत के लिए अच्छे होने के साथ साथ बहुत रिफ्रेशिंग भी लगते हैं। आज मैं आपको फ्रूट क्रशेस की रेसिपी बताऊंगी जिसे आप एक से दो वीक तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि उन्हें किस तरीके से यूज किया जा सकता है। आज मैंने ब्लैक करंट क्रश एंड क्रश बनाया है। इसी रेसिपी का यूज करते हुए आप और भी सिट्रस फ्रूट्स के क्रश तैयार कर सकते हैं और इन्हें स्टोर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अनुष्का किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस तरीके से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक कीजिए ताकि मेरे रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रेप्स क्रश की। मैंने यहाँ ब्लैक ग्रेप्स यूज किए हैं, आप चाहे तो ग्रीन वाले ग्रेप्स भी यूज कर सकते हैं, रेसिपी बिल्कुल यही रहेगी। मैंने बीच में से ग्रेप्स को काट लिया है, अब हम इसे एक पैन पे चढ़ा लेते हैं। 200 ग्राम ग्रेप्स है तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है। हम इसे इसी तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी। इसमें आप पानी अवॉइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैन से ये ग्रेप्स चिपकने लगेंगे। तो 5-10 मिनट में ही आप देखेंगे कि ग्रेप्स इस तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और उन्होंने अपना बहुत ही प्यार कलर छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करें थोड़ा सा लेमन जूस ताकि जो शुगर हमने डाली है वो क्रिस्टलाइज ना हो पाए। इसे स्पैटुला से प्रेस करते हुए इसे मिक्स करते जाइए। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट गाढ़ा होने लगेगा। मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसे बना रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप शुगर की और ये फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फ्रूट क्रश हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। अब या तो आप इसे छन्नी से स्ट्रेन कर सकते हैं या आप मिक्सी में पीस सकते हैं। मैंने इसे मिक्सी में पीसा है ताकि इसके छिलके भी बिल्कुल वेस्ट ना हो पाए। अब मैं बताती हूँ कि आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमने लिया है थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, मिंट और मैंने लिया है वाटरमेलन स्मूदी। वाटरमेलन के पीसेस हमने मिक्सी में चला दिए हैं और उसे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं किया है। अगर आप चाहें, आपको रेशन नहीं पसंद है तो आप इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं। एक सर्विंग ग्लास में हम ये क्रश डाल दें और साथ ही में हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, ये फ्लेवर के लिए है, और थोड़ी सी काली मिर्च। शक्कर हम इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि शक्कर के साथ ही हमने इसे पकाया है और ये वाले ग्रेप्स ऑलरेडी मीठे होते हैं। अगर आप ग्रीन ग्रेप्स यूज कर रहे हैं तो शक्कर उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पकाते समय शक्कर ऐड करते ही हैं। मुझे मिल्क का फ्लेवर पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से हम इसमें बर्फ ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे सोडे या पानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे पर्सनली वाटरमेलन स्मूदी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसके साथ में इसे सर्व कर रही हूँ। देखिए, जूस में थोड़े थोड़े चंक्स भी है। मुझे इस तरह का जूस बहुत ही पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप वाटरमेलन का जूस निकाल के उसे छन्नी से छान लीजिए, आपको बिल्कुल स्मूथ जूस तैयार मिलेगा। थोड़ा सा इसे स्टर कर लीजिए और हमारा वाटरमेलन ग्रेप स्मूदी तैयार है। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, ये जो फ्रूट कॉन्सेंट्रेट हमने तैयार किया है इसे हमें रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना है और 1-2 हफ्ते के अंदर यूज कर लेना है। मिंट लीफ से ये ड्रिंक गार्निश कीजिए एंड से चिल एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट हम बना रहे हैं कीवी क्रश। तो कीवी को हम इस तरीके से वॉश करके ले लेंगे और मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से इसे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है। आगे और पीछे से इसे कट कर लेंगे। अगर कीवी ज्यादा पका हुआ होगा तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, पर थोड़ा सा भी कच्चा हो थोड़ी सी मुश्किल होती है इसे कट करने में। पीलर का यूज करते हुए इसे बहुत ही पतले से छिलके निकाल दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो। इस तरीके से बारीक पीसेस में हमने इसे कट कर लिया है। ये एक कीवी का क्रश मैं बना रही हूँ। इसी तरीके से पैन में हम कीवी क्रश ले लेंगे और साथ ही में हम ले लेंगे इसमें 2 टेबलस्पून शुगर। कीवी काफी खट्टा होता है तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें शुगर थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। हमारा पक चुका है, इसका कलर भी थोड़ा सा हल्का लाइट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, स्टेज पे वो पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा, पर मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है।
ये पानी इसका सूख गया है और हमारा कीवी क्रश बिल्कुल तैयार है। इसे आपको मिक्सी में पीसने की जरूरत नहीं है, ना ही स्ट्रेन करने की जरूरत है, इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक कीवी जैम की तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है, क्योंकि कितना थिक बना है हमारा ये कीवी क्रश। अब हम देखेंगे कि ड्रिंक में इसे किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो चीज केक की ऊपर वाली लेयर बनाने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसे वाटरमेलन जूस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो पानी, सोडा या लेमनेड किसी के साथ भी, जो भी आप पसंद करते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। साथ ही में हमने लिए थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक और मिंट, और हमने लिया है बर्फ। तो सबसे पहले हम ग्लास में डालेंगे ये कीवी कॉन्सेंट्रेट। इसका कलर आपको थोड़ा सा येलोइश लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया है। आपको ये कलर नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसमें जरूर अपने हिसाब से कलर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए, काली मिर्च से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा काला नमक हमने ले लिया है, साथ ही में हम लेंगे थोड़ा सा मिंट। अगर आपको मिंट का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसको टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार हम इसमें बर्फ ऐड करेंगे और वाटरमेलन जूस डाल के एंजॉय करेंगे। कितने ही बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से फ्रूट्स ले आते हैं, वो कोई नहीं खा पाता है, तो 3 से 4 दिन के बाद ही वो खराब होने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन्हें स्टोर करने का और ज्यादा दिन तक यूज करने का। एंड गर्मियों में ड्रिंक से अच्छा ऑप्शन तो और कोई हो ही नहीं सकता है। आप चाहे तो इन कॉन्सेंट्रेट को एज अ जैम, एज अ चटनी भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पीने से पहले इन ड्रिंक्स को अच्छे से जरूर स्टर कीजिए, ताकि सारा फ्लेवर इवेनली ड्रिंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। थोड़ी सी मिंट लीफ के साथ हम इसे गार्निश करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। आपको ये रेसिपीज कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आने पे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रेसिपी जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।